यस। तो पिछली क्लास में हमने, जैसा आप जानते हैं, लेटी हेलमेंटीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके, आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटी हेलमेंटीज। लेटी हेलमेंटीज को तीन वर्गों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो वर्ग है वो टर्बेलेरिया, दूसरा ट्रिमेटोडा और तीसरा सेस्टोडा। टर्बेलेरिया के जंतु बड़े विशेष होते हैं, जो सामान्यतया फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी होते हैं। उनमें दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये विशेषता होती है कि उनमें रैबडाइट्स पाए जाते हैं, छड़नुमा रचना पाई जाती है, और छड़नुमा रचना जब दगती है तो शरीर पर प्रतिकूल वातावरण में एक आवरण बन जाता है और वो आवरण उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, टर्बेलेरिया के सदस्यों में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नियोब्लास्ट कहते हैं। नियोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनको चाकू की धार के नीचे जीवित जंतु मानते हैं। सामान्यतया इन्हें भंवरक्रमी या प्लेनेरिया कहते हैं। हमने देखा था इसके एग्जाम्पल, आपको पता ही है। टर्बेलेरिया में ज्यादातर जो है माइक्रो एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए थे, माइक्रोस्टोमम, इसके बाद थाइसेनोजून, डुगेसिया जिसे प्लेनेरिया कहते हैं, और इसके बाद कॉन्वोल्यूटा और बाइपेलियम। बाइपेलियम इज द लार्जेस्ट प्लेनेरिया। इसके बाद दूसरा जो वर्ग है वो वर्ग होता है ट्रिमेटोडा। ट्रिमा, जैसा कि मैंने आप कहा था, ट्रिमेटोडा में जो ट्रिमा शब्द है उसका मतलब था होल, छिद्र। इन जंतुओं में एक छिद्र पाया जाता है जो कि मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। ट्रिमेटोडा के जंतुओं को फ्लूक या पर्णक्रमी कहते हैं, और ये अधिकांशतया अंत परजीवी होते हैं। इनके शरीर के ऊपर जो है वो एक आवरण पाया जाता है जिसे टैग्यूमेंट कहते हैं, जो कि परपोसी के विभिन्न एंजाइम्स या पदार्थों से इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। इसमें दो प्रकार के चूसक पाए जाते हैं। एक चूसक जो मुख के चारों तरफ होता है उसे ओरल सकर कहते हैं, और एक जो अदर सतह पर होता है उसको एसिटाबुलम कहते हैं। इसके भी हमने करेक्टर लिख लिए, करेक्टर तो कंपेरेटर लिख लिए। अभी बेटे उसमें लिखाऊंगा मैं फैसिल। तो इसके एग्जाम्पल में हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, ये सब आपने देख रखे हैं, पिछले वीडियो के रिपीटेशन है। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको पता ही है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसा आप जानते हैं, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा तीन क्लासेज है प्लेटी हेलमेंटीज की। हमने तीनों के करेक्टर्स को कंपैरेटिवली पढ़ लिया था। आवास, देखंड, आहरनाल, रैपडाइट्स। रैपडाइट्स जो है वो सिर्फ टर्बेलेरिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा में अनुपस्थित हुए। एपिडर्मिस, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स जो है वो सिर्फ सेस्टोडा के जंतुओं में पाया जाता है। जो आगे का भाग होता है उसे हम स्कोलेक्स कहते हैं। उस पे तीन रचनाएं पाई जाती हैं। एक उभार होता है, उसको जो है रोस्टिलम कहते हैं। उसके नीचे दो पंक्तियों में हुक्स पाए जाते हैं, तथा चारों दिशाओं में चूसक पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। इन टर्बेलेरिया के कृमियों को भंवरक्रमी कहते हैं, ट्रिमेटोडा के जंतुओं को पर्णक्रमी कहते हैं, और सेस्टोडा के जंतुओं को फीताक्रमी कहते हैं, टेपवर्म। आकार आप जानते हैं, वही इनका चपटा
पृष्ठीय दर्शक से चपटा होता है, पत्ती नुमा होता है, फीता नुमा होता है। आसंजक अंग टर्बेलेरिया में आसंजक अंग नहीं पाए जाते, ट्रिमेटोडा में आसंजक अंग पाए जाते हैं जो चूसक के रूप में होते हैं, हुक्स कभी नहीं पाए जाते। दो प्रकार के चूसक होते हैं, एक मुख के चारों तरफ होता है, वो अभी हम फेसियोला के बारे में डिटेल लिखेंगे, उसमें लिखेंगे। मुख के चारों तरफ तो ओरल हो गया, ओरल का मतलब मुख होता है, और एक अदर सतह पर शरीर के मध्य में लगभग मध्य में पाया जाता है, उसको एसिटाबुलम कहते हैं। बेटे एसिटाबुलम एक और जगह आता है, शायद मैंने कभी आपको बताया होगा, याद करो कहाँ पे होता है। क्या एसिटाबुलम? बेटे मैं एसिटाबुलम की बात कर रहा हूँ। एसिटाबुलम जो है, एक तो अभी मैं आपके कह रहा हूँ कि जो चूसक पाया जाता है पर्णक्रमी के अदर सतह पर, उसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम मैंने कहा था कि जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है, श्रोणी मेखला होती है, श्रोणी मेखला में जो खांच होती है जिसमें फीमर का हेड फिट होता है, उस ग्रुप को, उस खांच को भी एसिटाबुलम कहते हैं। तो दो एसिटाबुलम में ध्यान रखें। मुख हमने लिखा है कि टर्बेलेरिया में मुख मध्य अदर सतह पर पाया जाता है, ट्रिमेटोडा में मुख अग्र सतह पर, अग्र सिरे पर पाया जाता है, और सेस्टोडा में, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था पिछली क्लास में कि सेस्टोडा में मुख नहीं पाया जाता, आहार नाल नहीं पाई जाती, तो ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अभी मैंने बेटे ध्यान से नहीं पढ़ा आपने, मैंने कहा कि एसिटाबुलम और ओरल सकर इनमें पाए जाते हैं, इनमें जो आगे का भाग होगा हम उसको स्कोलेक्स कहते हैं, स्कोलेक्स पर एक उभार होता है वो रोस्टिलम कहलाता है, उसके नीचे दो पंक्तियों में हुक्स पाए जाते हैं, तथा स्कोलेक्स के चारों दिशाओं में चार चूसक पाए जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं है। समझ में आ गया? तो बेटे हुक्स और चूसक जो है वो, क्योंकि ये अंतःपरजीवी होते हैं, परपोसी के आंतरिक ऊतकों से अपने आप को अटैच रखते हैं। आप जानते हैं आहार नाल में जो क्रमाकुंचन गतियां होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन तरंग। बेटे आप जब भोजन खाते हैं तो वो आंत में अपने आप कैसे आगे जाता है, सरकता जाता है, आगे खिसकता कैसे है? नहीं, आप क्या पानी पीते रहेंगे फिर आगे खिसकता है, फिर कुछ कुछ डाल लेते होंगे तो आगे सरकाते रहते होंगे। आपने गुलाब जामुन खाया शादी में तो वो कैसे गया आर नाल? गोलता इसलिए लुढ़। बेटे वो जिस प्रकार से भोजन जब क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा आगे की ओर खिसकता जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी आहार नाल काफी लंबी होती है, 21 से 22 फीट की होती है, तो क्रमाकुंचन तरंगतियों के द्वारा भोजन आगे पास होता है, तो जब हमारी आंत में एस्केरिस तथा टीनिया सोलियम पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो वो भी क्रमाकुंचन तरंगति के द्वारा पास आउट हो जाने चाहिए फीकल मैटर के साथ, लेकिन वो तो उनको कोई ना कोई ऐसी रचना चाहिए जिसके द्वारा हमारी आंत के ऊतकों को पकड़े रहते, नहीं तो क्रमाकुंचन तरंगति से निकल जाते। अब एस्केरिस हमारे डिटेल में पढ़ा के हमने एस्केरिस था क्या कोर्स में? अब एस्केरिस उल्टा काम करता है, उसके कोई भी, एस्केरिस में किसी भी प्रकार के आसंजक अंग एडेसिव ऑर्गन्स नहीं होते, तो वो अपने आप को आंत में अपनी पोजीशन को निश्चित बनाए रखने के लिए वो उल्टी गतियां करेगा, हमारी आंत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे करेगी लैटरली, और वो तरंग गति ऐसे करेगा डोर्सोवेंट्रली, तो इस प्रकार से वो अपनी स्थिति को मेंटेन रहता है। लेकिन टीनिया सोलियम तथा फेसियोला हेपेटिका या पर्णक्रमी तथा फीताक्रमियों में आसंजक अंग होते हैं जो परपोसी के शरीर में अपनी स्थिति को बनाए रहते हैं। समझ में आ गया? नेत्र, बेटे नेत्र शब्द पहली बार इस समूह में आया है प्लेटी हेलमेंटीज में। इनमें प्रकाश ग्राही नेत्र तो नहीं होते, लेकिन प्रकाश ग्राही रचनाएं पाई जाती हैं, प्रकाश ग्राही अंग होते हैं जो प्रकाश की जानकारी करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि
टर्बल एरिया के सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं, जल में पाए जाते हैं, तो बेटे उनको प्रकाश ग्राही अंग की रचना, अंग भी चाहिए, है ना। तो प्रकाश ग्राही इनमें पाए जाते हैं, टर्बल एरिया। तो ये समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। टर्बल एरिया के एग्जाम्पल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ये दो रचनाएं दिखाई दे रही है, ये दो रचनाएं नेत्र का काम करती है, प्रकाश ग्राही है। हमने कहा टर्बल एरिया में दो विशेषता मैंने आपको कहा जो पूरे जंतु जगत में कहीं नहीं पाई जाती। पहला मैंने कहा कि इनमें देह भित्ति के नीचे रैबडाइट्स छड़ नुमा रचना पाई जाती है। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है ये छड़ नुमा रचना दग जाती है और बॉडी के ऊपर एक आवरण बना लेती है जो सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा मैंने क्या कहा कि इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को नियोब्लास्ट कहते हैं। इस कारण से ये जंतु में पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। बेटे हमने रीजनरेशन में दो शब्द पढ़े थे, आपको पता होगा। यदि शरीर के किसी भाग, क्षतिग्रस्त भाग का ही निर्माण पुनरुद्भवन में हो, रीजनरेशन में हो, तो उसको क्या कहेंगे। यदि शरीर के किसी छोटे से भाग से पूरे शरीर का निर्माण हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे। दो शब्द थे एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस। तो एपिमॉर्फोसिस में क्या होगा, छोटे से पार्ट जो डैमेज हुआ है उसका बनना एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। और यदि छोटे से भाग के पूरे शरीर का निर्माण हो, मैंने कहा मैक्सिमम रीजनरेशन हो जाए, मैक्सिमम पार्ट बन जाए, हम उसे मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो प्लेनेरिया में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए इसे हम चाकू की धार के नीचे जीवित जंतु कहते हैं। और इसमें नियोब्लास्ट के कारण पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। तो इसका जूलॉजिकल नाम डोगेसिया है, है ना। अपन ने लिख लिया, हमने चार पांच एग्जांपल लिख लिए। पहला लिखा होगा माइक्रोस्ट्रोमम, फिर डोगेसिया या प्लेनेरिया जिसे प्लेनेरिया भी कहते हैं, फिर हमने थाइसेनोजून लिखा था। थाइसेनोजून में हमने कहा नहीं, ये हमने कटवा दिया था, ये उसमें जाएगा ना। और फिर हमने कॉन्वोल्यूटा और बाइपेलियम, ये एग्जांपल। इसके बाद हम आगे देखते हैं ट्रिमेटोडा एग्जांपल। बाइपेलियम इज द लार्जेस्ट प्लेनेरिया। अब इसके एग्जांपल है, पहले हम इसमें फेस्युला एफेंट्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। देखिए ये फेस्युला हिप्पोक्रेटिका है। अब यहां पे ध्यान से देखें, ये जो शक्कर पाया जाता है, जो मुख के चारों तरफ जो चूसक होगा, हम उससे ओरल, ओरल का मतलब बेटे मुख होता है, तो ओरल शक्कर। तो माउथ इज सराउंडेड बाय ए पर्टिकुलर शक्कर विच इज नोन एज ओरल शक्कर। और एक शक्कर जो है अग्र सिरे से पीछे अदर सतह पर होता है, इस वेंट्रल शक्कर यहां पे दिख रहा होगा आपको, इसे क्या कहेंगे, एसिटाबुलम कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसके नीचे विभिन्न प्रकार के अंग होंगे, जो आहार नाल है वो अपूर्ण होगी, हमने पहले कह दिया। ये मुख जो है मुख से भोज्य पदार्थों को प्राप्त करेगा, उससे ग्रसनी, ग्रसनी जो है वो उसमें पंपिंग एक्शन होता है जिससे भोजन को अंदर की ओर अंतर्गहित किया जाता है। और जो फेरिंग्स है वो आंत में खुलती है। इसमें जो आंत होती है वो आंत कैसी होती है, शाखित आंत होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। और लेकिन गुदा अनुपस्थित होता है। तो इंजेशन तथा इजेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण तथा बहिक्षेपण दोनों का कार्य मुख करता है ना। अभी तक गुदा का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लेटीएलमेंटीज प्रोटोस्टोमिया का सदस्य है। प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोमा मींस माउथ। माउथ अराइजेस फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसमें
विभिन्न प्रकार के जनन अंग होंगे, ये बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, है ना। इसके बारे में डिटेल हमें नहीं करना। चलिए तो एग्जाम्पल में पहला आपने लिख लिया फेसियोला हेपेटिका, लिख लिए सारे एग्जाम्पल। फेसियोला हेपेटिका लिख लिया क्या इस? चलिए कोई बात नहीं, अभी एक मिनट सुनते रहे। फेसियोला हेपेटिका का जीवन काल डाइजेनेटिक होता है, द्यू पर्पोज दिए, इसका प्राथमिक पर्पोसी भेड़ तथा द्वितीय पर्पोसी घोंगा स्नेल होता है। इसका जीवन चक्र जटिल होता है क्योंकि जीवन चक्र में लाइफ साइकिल में 5 लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। अब लार्वा अवस्था आपको याद हो गई होंगी, पहला मीरेसीडियम, दूसरा स्पोरोसिट, तीसरा चौथा, कोई बात बेटे। अब दो लार्वा अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। मीरेसीडियम जो द्वितीय होस्ट है उसके लिए संक्रमणकारी होता है, और मेटासर्केरिया जो लास्ट लार्वा है वो प्राथमिक परपोसी के लिए संक्रमणकारी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लू ऑफ मैन कहते हैं। क्या चल रहा है इसे, और भी हमने लिखे होंगे, बिलहर्जिया क्योंकि बिलहर्ज नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए बिलहर्जिया कहते हैं। सिस्टोसोमा से जो रोग होता है उसको सिस्टोसोमियासिस कहते हैं या एर्जा कहते हैं या कार्डियोपल्मोनरी डिजीज कहते हैं। सिस्टोसोमा के बाद ये लिख लिया, इसके बाद कौन सा लिख लिया? डिप्लोजून, ये मिटा दूं दोनों। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है हमारा डिप्लोजून। अब ये अपने आप ये कह रहा है कि डिप्लो डाई मीन्स टू, है ना, तो दो लार्वा जिन्हें डाइपोर्पा कहेंगे वो लार्वा अवस्था में मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली फ्यूज हो जाते हैं। अपन ने गलती से थाइसेनोजून में लिखा, तो डिप्लो जून का मतलब होता है एनिमल, तो इसमें इसके लार्वा को आप क्या कहेंगे? डाइपोर्पा, डाइपोर्पा, है ना। और ये दो लार्वा आकारिक और कार्य की रूप से संयोजित हो जाते हैं, जीवन पर्यंत जो है वो मैथुन अवस्था में रहते हैं, उससे वयस्क बनता है, दो लार्वा से वयस्क बनता है, इसलिए इसको डाई पोर्पा से क्या बनेगा? डिप्लोजून बनता है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद तीसरा एग्जाम चौथा फेसियोलॉप्सिस। फेसियोलॉप्सिस, फेसियोलॉप्सिस इंटेस्टिनल फ्लूक ऑफ मैन, मनुष्य की आंत का पर्णक्रमी, मनुष्य की आंत का पर्णक्रमी, इंटेस्टिनल फ्लूक ऑफ मैन। फेसियोलॉप्सिस लिख लिया, इंटेस्टिनल फ्लूक ऑफ मैन, मनुष्य के आंत का पर्णक्रमी। आगे लिखूं, इसके बाद
पांचवा जो एग्जांपल है ओपिस टोर्किस, इसको क्लोनोर्किस भी कहते हैं, क्लोनोर्किस, किलो नॉर्किस। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मनुष्य का पर्णक्रमी है, लीवर फ्लूक ऑफ मैन, और इसको बोलते हैं चाइनीज लीवर फ्लूक, चाइनीज लीवर फ्लूक ऑफ मैन। मनुष्य का चाइनीज पर्णक्रमी। फेसियोलो हेपेटिक का किसका होता है, भेड़ का, और मनुष्य का कौन सा होता है, ओपिस टोर्किस और क्लोनोर्किस। लिख लिया, नहीं बेटे ये लीवर की बात कर रहे हैं ना हम, फेसियोलो हेपेटिका को गलती से मनुष्य का पर्णक्रमी लीवर फ्लूक मान देते हैं, वो किसका होता है, भेड़ का। मनुष्य का लीवर फ्लू कौन सा होता है, ऑपिस टोर्किस या क्लोनोर्किस, ये ध्यान रखना है। आगे चलो, इसके बाद पैरागोनिमस, पैरागोनिमस लंग फ्लू ऑफ मैन, मनुष्य के उपस्क्रमी लंग फ्लू ऑफ मैन, पैरागोनिमस लंग फ्लू ऑफ मैन। लंग फ्लू ऑफ मैन पैरागोनिमस, पैरागोनिमस हिंदी में लिख लो, पैरागोनी में लिख देता हूं, पैरा गोनीमस, पैरागोनीमस मनुष्य का उपस्क्रमी, फेफड़े में पाया जाता है मनुष्य का। चलिए आगे चलो, अब इसके बाद हम सेस्टोडा की बात, सेस्टोडा के एग्जांपल लिखेंगे। ये सबने लिख लिए, मिटा दूं, अब बेटे सेस्टुडा, अब लिखें आप क्लास सेस्टुडा, अब इसमें बहुत सारे अलग पॉइंट आएंगे, वो पहले हम लिखेंगे, बाद में एग्जांपल लिखेंगे सेस्टुडा, ठीक है। अब देखिए पहला, इस सेस्टुडा के जंतुओं का भी शरीर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है, ये खंड वास्तविक खंड नहीं होते हैं, इसलिए इन आवासीय खंडों को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखो, प्रोग्लोटिड्स। फीताक्रमियों का शरीर, फीताक्रमियों का शरीर छोटे छोटे आवासीय खंडों में विभाजित होता है, आवासीय खंडों में विभाजित होता है, इन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, इन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखें, लार्वा, जैसे कि हमने ट्रिमेटोडा में पर्णक्रमियों में पांच प्रकार के लार्वा देखे थे, यहां पर तीन प्रकार के लार्वा होते हैं, एक के बाद एक अवस्था होती है। पहली अवस्था को क्या बोलते हैं, ओनको स्पियर। अब स्पियर का मतलब बेटे आप जानते हैं गोल, ओनको का मतलब होता है नुकीले,
तो इसमें कुछ कंटक नुमा रचना पाई जाती है जिनकी संख्या 6 होती है, इसलिए इनको ओनको स्फीयर कहते हैं। एक मिनट सुने, ओनको स्फीयर परिवर्तित होता है हेक्साकेन, तो इसमें कितने कंटक नुमा रचना पाई जाएगी? 6। और जब ये, आप जानते हैं कि जो टीनिया सोलियम है वो वयस्क मनुष्य की आंत में पाया जाता है, और ये अपने खंडों को 4-5 अंतिम खंडों को तोड़ता रहता है, और तोड़कर ये 4-5 खंड जो है वो मनुष्य के फीकल मैटर मल के साथ बाहर जाते हैं, मल को सुअर खाता है तो ये सुअर के शरीर में चले जाते हैं। इन खंडों में वेल डेवलप्ड गर्भाशय पाया जाता है, वेल डेवलप्ड यूटेरस पाया जाता है जिसमें निषेचित अंडे भरे रहते हैं। तो ऐसे खंड जो कि जिनमें पूरी तरह निषेचित अंडे भरे रहते हैं, इन्हें ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? और ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स टीनिया सोलियम के पश्च भाग से 4 या 5 के समूह में टूटते रहते हैं, 4 या 5। बेटे ये जो टूटने की प्रोसेस है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ गया, इसे एपोलाइसिस कहते हैं, विमोचन, एपोलाइसिस। तो ब्रेकडाउन ऑफ लास्ट 4 or 5 ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टीनिया, द प्रोसेस इज नोन एज एपोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया एपोलाइसिस। अच्छा अब देखते हैं, अब एपोलाइसिस में, अब इसी में ओनको स्फीयर बन गया, हेक्साकेन बन जाएगा, और जब ये किसके शरीर में जाएंगे? सुअर के शरीर में जाएंगे, तो इनमें डेवलपमेंट होगा। आंत से जब ये लास्ट लार्वा बन जाएगा, सिस्टी सर्कस जिसे ब्लेडर कृमि भी कहते हैं, वो सुअर के क्या बोलते हैं उसको, मसल्स में जाके सेट हो जाएगा। अब जब सुअर को वापस मनुष्य खाएगा, जो पोर्क ईटर्स होते हैं, बर्गर तो नहीं खाते आप लोग? अंजू खाती है। जो बर्गर खाते हैं तो बाहर फॉरेन में, इंडिया में नहीं होता, बाहर फॉरेन में जो बर्गर वगैरह में जो स्लाइस डालते हैं वो पोर्क की डालते हैं ना, चीन वगैरह में। तो बेटे जो भी पोर्क ईटर होंगे, और पोर्क जो है वो हिंदू फैमिली में खाया जाता है, मुस्लिम फैमिली कभी नहीं, मुस्लिम फैमिली सुअर को बहुत गंदा मानते हैं, तो मुस्लिम फैमिली में कभी भी जो है टीनिया सोलियम नहीं होगा, हिंदू फैमिली में होगा जो कि पोर्क ईटर होंगे। समझ में आया? अब वापिस समझाता हूं, देखिए वापिस मैंने ये कहा कि टीनिया सोलियम का संक्रमण जो है वो पोर्क खाने से होता है, पोर्क ईटर्स है ना, सुअर का मांस जो खाएंगे उन मनुष्य में टीनिया सोलियम होगा, और पोर्क जिसमें सिस्टी सर्कस लार्वा होगा टीनिया का, ऐसे पोर्क को मिजली पोर्क कहते हैं। क्या कहेंगे? तो जो पोर्क होता है उसमें डॉट डॉट से दिखाई देते हैं ये लार्वा के, और ये ब्लेडर वॉर्म क्या कहते हैं, इसे क्यों ब्लेडर वॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये लार्वा ब्लेडर के समान दिखाई देता है। ये लार्वा जो है वो मसल्स ऑफ पिग सुअर के मांसपेशियों में होगा। समझ में आ गया? अब जिन्होंने अब ये पोर्क लेके आ गए लोग, पकाया घर पे, यदि वो मिजली पोर्क है और ठीक तरह नहीं पका, ज्यादा पकाएंगे तो मर जाएंगे, और ठीक तरह नहीं पका तो वो जिस मनुष्य के शरीर में जाएंगे वहां पर ये डेवलप होके आंत में वयस्क टीनिया में परिवर्तित हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब इससे 2 रोग हुए, टीनिया के, वयस्क टीनिया के कारण मनुष्य में जो रोग होगा वो टीनियसिस कहलाएगा। इसकी लंबाई जो है वो 1.8 से 2.5 मीटर तक होती है, और एक डाइबोथेरियोसेफेलस, एक मछली में टीनिया सोलियम पाया जाता है, उसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर तक होती है।
दैट्स द लॉन्गेस्ट. अब समझ में आ गया आपके? अब आगे चले. अब क्योंकि मनुष्य की आंत में ये आंत भित्ति से अटैच रहेगा, तो इसके आगे एक ऑल्पिन नुमा रचना पाई जाती है. इस ऑल्पिन नुमा रचना को इसको लैक्स कहते हैं. क्या कहेंगे इसे? इसको लैक्स कहेंगे. अब ये समझ में आ गया. अब इसको लैक्स का क्या होगा? अभी बात लिखा, इसको लैक्स में क्या होगा? ये उभार हो गया ऊपर, इसको लैक्स. ये पिन नुमा रचना को हमने क्या कह दिया? इसको लैक्स कह दिया. ये जो उभार है इसको क्या कहेंगे? रोस्टिलम कहेंगे. रोस्टिलम, ये रोस्टिलम हो गया. अब रोस्टिलम के नीचे यहां पर दो पंक्तियों में हुक्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? दो पंक्तियों में हुक्स पाए जाते हैं. ये भी अटैचमेंट में मदद करेंगे. और इस स्कोलेक्स के ऊपर तीन जो है, चार जो है, वो क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं. तीन दिखाई दे रहे हैं, एक बीच के इसके पीछे होगा. ये क्या हो गए? सकर्स. और ये क्या हो गए बेटे? हुक्स. कितनी पंक्तियों में हो गए? दो पंक्तियों में. टू रोज ऑफ हुक्स. इस ये ऑल्पिन लाइक स्ट्रिक, ऑल्पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्कोलेक्स. अब स्कोलेक्स के नीचे का जो भाग है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा. लेकिन ये वो पार्ट है जहां पर प्रोलिफिरेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स या खंडों का निर्माण होता है. इसलिए इस पार्ट को ग्रोथ जोन कहते हैं. क्या कहेंगे? और क्योंकि यहां पर प्रोलिफिरेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रोलिफिरेटिव जोन भी कह सकते हैं. प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टीप्लाई होना, खंडों का निर्माण होना. और ये खंड जो है पीछे की ओर खिसकते रहेंगे. ये समझ में आ गया? तो पहला जो भाग होगा स्कोलेक्स, दूसरा भाग होगा गर्दन, ग्रीवा, नेक, जहां पर खंडों का निर्माण होता जाएगा. और इसके बाद जो शेष भाग बचा बॉडी का, इसको स्ट्रोबिला कहते हैं. क्या कहेंगे? स्ट्रोबिला. स्ट्रोबिला. अब स्ट्रोबिला में 800 से 1000 खंड होते हैं. कितने? 800 टू 1000 प्रोग्लोटिड्स होते हैं. अब इन प्रोग्लोटिड, क्योंकि टीनियस सोलियम बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो इसके पहले जो 150 से 200 खंड होंगे उन्हें इमेच्योर कहेंगे, अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स. क्या कहेंगे? अपरिपक्व. अब इनमें कोई भी जनन अंगों का विकास नहीं हुआ है. इसके बाद फिर 200 से 350 या 400 तक जो खंड है उनमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, नर जनन अंगों का निर्माण होगा. समझ में आया? इसके बाद 550 तक या 600 तक मेल पहले बन गया, और इनमें मेल तो है ये, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बन गए. अब हम इन खंडों को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी या द्विलिंगी या मोनोशियस. मोनोशियस हो गए. द्विलिंगी हो गए. अब द्विलिंगी होंगे तो बेटे इसमें निषेचन होगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? शरीर के अंदर, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा. समझ में आ गया? स्व निषेचन होगा, खुद के शुक्राणु खुद के अंडाणु को निषेचित करेंगे. अब निषेचन हो गया, फर्टिलाइज एग हो गए. अब जिनमें फर्टिलाइज एग भर जाएंगे उनमें और दूसरे भी जितने अंग हैं वो
नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ गर्भाशय काफी विकसित हो जाएगा, ऐसा खंड जिसमें पूरे खंड में सिर्फ गर्भाशय ही पाया जाए और गर्भाशय के अंदर पूरे में निषेचित अंडे भरे रहें, ऐसे खंडों को ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स। और ये ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स इसके शरीर के अंतिम चार पांच के समूह में टूटते रहते हैं, उस प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं तुम्हें इसकी गणित बताता हूं। वैसे गणित बायोबायोलॉजी की थोड़ी सी तंग होती है। ये एक टीनिया सोलियम हमारे शरीर में 30 साल लिखते जाओ अंजू गणित अच्छी 30 साल तक जिंदा रहता है, 30 इयर्स। कितना? 30 साल मल्टीप्लाई, एक साल में 2500 2500 खंडों को तोड़ता है और एक खंड में 30,000 से 40,000 जो है वो निषेचित अंडे होते हैं। मैं करता हूं गणित, मैं गणित, अरे आप क्यों परेशान होते हो? ये लो, ये 30 साल हो गए, ये एक साल में 2500 और एक में 30,000, बस ये गुणा करना तुम्हें, इतने अंडे ये बनाता है। प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऐसा डेवलप तो दूसरे बड़े जंतुओं में नहीं होता। तो अपनी जिंदगी में इतने निषेचित अंडे ये त्याग देता है एक टीनिया सोल। समझ में आया? तो बेटे 30 साल तक जिंदा रहता है, एक साल में 2500 प्रोग्लोटिड्स को शरीर से बाहर मतलब तोड़ता है, निकालता है और उस एक प्रोग्लोटिड्स में, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स में 30,000 से 40,000 जो है वो निषेचित अंडे होते हैं। मुझे नहीं पता, ये तुम घर पे तो समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये सब समझ में आ गया, अभी हम सब लिखेंगे, है ना, अभी लिखेंगे। अब बेटे लार्वा के बारे में समझ में आ गया, तो लार्वा जो सिस्टी सर्कस लार्वा, अब देखो टीनिया सोलियम से हमारे अंदर बीमारी होगी, हमारी आंत आंत को ब्लॉक कर देगी, तो उस रोग को टीनियसिस कहेंगे। और सुअर में भी रोग तो होगा ही, सही, तो सुअर का जो रोग होगा वो किसके द्वारा होगा? सिस्टी सर्कस लार्वा के द्वारा होगा, उसकी बीमारी को सिस्टी सर्कोसिस कहेंगे। सुअर में सिस्टी सर्कोसिस होगा, हमारे शरीर में टीनियसिस होगा, दोनों जगह रोग तो करेगा, पैरासाइट है तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे शरीर का जो भी भोजन है उसको खाए। आगे चलूं मैं? अब बेटे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वेलोवर। मैंने कल तुमको एक निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, विद्यार्थियों से कभी कभी निवेदन करना पड़ता कि बेटे कल ये पता करके आना आप कि टीनिया सोलियम में मुख नहीं है, आहार नाल नहीं है, तो भोजन कैसे करेगा? जिंदे रहने के लिए तो सबको भोजन चाहिए। अभी एक घंटा में ज्यादा पढ़ाऊंगा, सर भूख लग रही है, सबके चेहरे लटक जाते। बेटे मैं एक मिनट, अब देखो अब एक और गलती करेंगे आप यदि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे। बेटे हम कई बार चूसक को चूसने वाले अंग मान लेते हैं, जैसा कि मैडम कह रही है। बेटे मैंने अभी कहा सकर्स आर नॉट ए सकिंग ऑर्गन, दे आर एडेसिव ऑर्गन्स, वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई चूसने के लिए काम नहीं करते। समझ में आया? जब मुख नहीं है, चूसक चूसने का काम नहीं कर रहे, अपने आप चला जाता है। हमारे किचन में भोजन रहता है, हमारे भी अपने आप चला जाता है मुंह में। अब सुनो बेटे,
कितना तुक्का मारते हो आप लोग हैं, आप ध्यान से सुने। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं, आप भी बोल दो। एक शब्द बैलोबर मैंने कहा, ये बेटे हमारी आंत में रहता है तो जो पचा पचा भोजन मिल जाता है उसे देह भित्ति के द्वारा अवशोषित करता है। जिसको जितना सेगमेंट को जो चाहिए वो वहां से अवशोषित कर लेगा। देह भित्ति के द्वारा भोजन का अवशोषण करना, ऐसे जंतुओं को वैलोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु जगत में नहीं, वो तो नहीं आता ना बेटे, हम कहाँ आता है हमारे से? हम तो हमारे दिमाग से तुक्का लगाते हैं। बेटे एक और, जितने भी अंत परजीवी होते हैं वो अबायवीय होते हैं बेटे, उनमें जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं उनको, समझ में आया? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन यहाँ पे जिनपे क्वेश्चन बनते। तो बेटे प्रोग्लोटिड हमने लिख लिया, अब लिखो लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था भी लिख ली, लिखो। टीनिया सोलियम के जीवन चक्र में, टीनिया सोलियम के जीवन चक्र में तीन लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तीन लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनको स्पेयर पहला, उनको स्पेयर कोमा, दूसरा हेक्जाकेंथ, हेक्जाकेन तथा सिस्टिसर्कस लार्वा। सिस्टिसर्कस लार्वा, सिस्टिसर्कस लार्वा हिंदी में लिखो, लिख लोगे? अब बेटे आगे लिखो, सिस्टिसर्कस लार्वा को ब्लेडर वॉर्म, ब्लेडर कृमि भी कहते हैं। सिस्टिसर्कस लार्वा को ब्लेडर कृमि भी कहते हैं क्योंकि ये फुटबॉल के ब्लेडर के समान होता है। फुटबॉल के ब्लेडर्स के समान, फुटबॉल नहीं जानते क्या? खेले नहीं कभी? ब्लेडर ऑफ फुटबॉल और वॉलीबॉल, समझ में आ गया? अब दूसरा लिखो, सुअर में या पिग में, सुअर के पेशियों में सिस्टिसर्कस लार्वा पाया जाता है जिससे सिस्टिसर्कस लार्वा, सर्कस तो जानते हैं ना आप, सिस्टी लगाना है। सिस्टिसर्कस लार्वा पाया जाता है जिससे सिस्टिसर्कोसिस रोग होता है, जिससे सिस्टिसर्कोसिस रोग होता है। लिख लिया, सुअर का ऐसा मांस जिसमें, सुअर का ऐसा मांस जिसमें सिस्टिसर्कस लार्वा पाए जाते हैं, उसे मिजली पोर्क कहते हैं। मिजली पोर्क, मिजली पोर्क, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं बेटे ना, हर एक के मांस का नाम अलग अलग होता है।
वर्षा आपको बाद में बता देगी, सब समझा देगी। बेटे उससे मतलब थोड़ी, हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कह रहे। चिकन मटन पोर्क तीन चीजें तो आप जानते ही हैं। ब्राह्मण क्या जूलॉजी क्यों लिए फिर बेटे? बस तो ऐसे ही पता करना है हमें, कोई पता लिख लिया। मिजली पोर कहते हैं, फटाफट लिखो, बहुत लिखना है। मिजली पोर कहते हैं, समझ में आ गया? अब लिखो वेलोवर, जल्दी से लिखो वेलोवर, डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई आर, वेलोवर, वेलोवर। फीता क्रमियों में आहार नाल का पूर्णतया अभाव होता है। नो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन टेपवर्म। फीता क्रमियों में आहार नाल का पूर्णतया अभाव होता है। ये परपोसी से, होस्ट से, ये परपोसी से पचा हुआ भोज्य पदार्थ देह भित्ति की सहायता से अवशोषित करते हैं। इसलिए इन्हें वेलोवर कहते हैं। क्या कहेंगे? दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट थ्रू बॉडी वॉल बाय हेल्प ऑफ बॉडी वॉल, सो दीज आर कॉल्ड वेलोवर। समझ में आ गया? चलिए अब लिखे बेटे एपोलाइसिस। हिंदी में बोलते हैं विमोचन, एपोलाइसिस को बोलते हैं विमोचन। एपोलाइसिस विमोचन, लिखाऊं? फीता क्रमियों के अंतिम चार पांच, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का, प्रोग्लोटिड्स का शरीर से अलग होना, विमोचन कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। डिटेचमेंट ऑफ फोर और फाइव प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ टीनिया इज नोन एज एपोलाइसिस। समझ में आ गया? ग्रेविड बेटा मैंने कितनी जगह तो लिख दिया यार, कई बार तो बता दिया तुमको। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ये लिखा हुआ, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। अब ध्यान से सुने, अब हम टीनिया के बारे में, वैसे हमारे कोर्स में पहले था, डिटेल में पढ़ाते थे, अब कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर लिखेंगे। लिखो दूसरे पैराग्राफ में, फीताक्रमी के शरीर को तीन भागों में विभेदित किया जाता है। फीताक्रमी के शरीर को तीन भागों में विभेदित किया जाता है। पहले लिखे स्कोलेक्स, स्कोलेक्स लिख लिया, स्कोलेक्स ये आल्पिन के हेड नुमा होता है, ये लिखा स्कोलेक्स। स्कोलेक्स ये आल्पिन के हेड नुमा होता है। इस पर एक उभार पाया जाता है,
इस पर एक उभार रिजेज प्रेजेंटोन स्कोलैक्स इज नोन एज रोस्टिलम, जिसे रोस्टिलम कहते हैं, ये लिखा हुआ है रोस्टिलम कहते हैं, रोस्टिलम कहते हैं। लिख लिया। रोस्टिलम के नीचे दो पंक्तियों में हुक्स पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स के नीचे स्कोलेक्स के चारों तरफ चार चूसक पाए जाते हैं। स्कोलेक्स के नीचे चार चूसक पाए, हुक्स के नीचे स्कोलेक्स पर चार चूसक पाए जाते हैं। देखो ध्यान से, ये उभार हो गया रोस्टिलम, रोस्टिलम के नीचे दो पंक्ति में हुक्स हो गए, हुक्स के नीचे स्कोलेक्स पर चार चूसक पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। लिख लिया, ये चित्र बना लो तो ध्यान रहेगा। आगे चलो, दूसरा लिखे नेक या ग्रीवा, नेक या ग्रीवा। इस भाग में नए खंडों का निर्माण होता है या नए प्रोग्लोटिड्स का निर्माण होता है, इस भाग में नए प्रोग्लोटिड्स या खंडों का निर्माण होता है, इसलिए इसे वृद्धि क्षेत्र ग्रोथ जोन भी कहते हैं। लिख लिया, क्या कहेंगे? वृद्धि क्षेत्र, क्योंकि यहां से बॉडी की वृद्धि होगी। इसके बाद लिखो स्ट्रोबिला, शेष भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रोबिला, ये लिखो स्ट्रोबिला, हिंदी में लिख लो स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम के शरीर में 800 से 1000 टीनिया सोलियम के शरीर में 800 से 1000 प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। to 1000 प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम। लिख लिया। अब यहां पे लिखो, पहले फर्स्ट 150 से 200 कैसे परिपक्व, 150 से 200 अपरिपक्व, अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स। फिर 350 से 400 कैसे होंगे? जिनमें नर जनन अंगों का विकास हुआ,
350 से 400 तक। थ्री फिफ्टी से 400 तक इनमें क्या विकास हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब बेटे 550 से 600 तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये खंड क्या कहलाएंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाएंगे, है ना? अब नीचे लिखो, इसके बाद शेष खंडों में निषेचित अंडे भरे रहते हैं। शेष खंडों में निषेचित अंडे, फर्टिलाइज्ड एग, इन खंडों में निषेचित अंडे भरे रहते हैं। इन खंडों में गर्भाशय अधिक विकसित हो जाता है, यूटेरस वेल डेवलप्ड। गर्भाशय अधिक विकसित हो जाता है तथा अन्य अंग लुप्त हो जाते हैं, अदर ऑर्गन्स डिसअपीयर हो जाते तथा अन्य अंग लुप्त हो जाते हैं। ऐसे खंडों को क्या कहेंगे? ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ऐसे खंडों को ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये लिखा बेटे यहां GRAVID, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये लिखा ग्रेबिट, GRAVID, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। प्रोग्लोटिड्स ये लिखा, ग्रेबिट प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये इनमें बेटे लास्ट खंडों में अंडे अंडे भरे हुए हैं, तो ये टूटते रहेंगे शरीर से। अब उस टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे? एपोलाइज। आगे वो पहले हमने लिख लिया, समझ में आ गया? चलिए मिटा दूं इसको। अब टीनिया सोलियम के बाद लिखे टीनिया सेजिनेटा। अच्छा एक मिनट, अभी मैंने क्या ये लिख लिया कि हमने ये उन टीनिया सोलियम उन फैमिली में पाया जाएगा जो कि पोरकीटर होंगे। पोरकीटर अधिकांशतया हिंदू फैमिली होते हैं, मुस्लिम फैमिली कभी भी नहीं होते। चाहो तो स्टार बना के लिख लो, टीनिया सोलियम का संक्रमण उन परिवारों में पाया जाएगा जो पोर्क ईटर सुअर मांस खाते हैं, पोर्क ईटर होते हैं या खाते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अधिकांशतया हिंदू फैमिली। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता चाइना में कौन सी समाज होता है, जाति होती है। इंडिया में भी बहुत पोर्क ईटर होते हैं, सामान्यतया हिंदू फैमिली। लिख लिया, अब दूसरा स्टार बना के लिखो। अब लिखो, लिख दूसरा स्टार बना लिया। टीनिया सेजिनेटा, SAGINETA, टीनिया सेजिनेटा, SAGINETA, सेजिनेटा। अब ध्यान से सुने, आप जानते हैं बेटे मनुष्य का फीकल मैटर
गांव में जो ओपन होता है वहां पे गाय भी खा लेती है ना, कई जगह होता है, बहुत कॉमन पे है। तो जो गाय फीकल मैटर हुमन का खाएगी उसके शरीर में सामान्यतया टीनिया सेजिनेटा जाति डेवलप होती है, और जो पोर्क ईटर होंगे, पोर्क ईटर टीनिया सोलियम से होगा, और जो बीफ ईटर होंगे, गाय के मांस को क्या कहते हैं बीफ, तो जो बीफ ईटर होंगे, बेटे हिंदू कभी भी गाय का मांस नहीं खाते है ना, तो जो बीफ ईटर होंगे वो मुस्लिम फैमिली होंगी, तो बीफ ईटर जो होंगे उनमें टीनिया सेजिनेटा का संक्रमण पाया जाएगा। समझ में आया, लिखो टीनिया सेजिनेटा। इसका प्राथमिक परपोषी गाय तथा द्वितीय परपोषी, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य तथा द्वितीय परपोषी गाय होती है। इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य तथा द्वितीय परपोषी गाय होती है, इस कारण बीफ ईटर फैमिली में, मतलब गाय मांस खाने वाले परिवारों में, इस जाति का संक्रमण मिलता है, इस जाति का संक्रमण मिलता है अधिकांशतया मुस्लिम फैमिली। अधिकांशतया मुस्लिम फैमिली। अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लिखो, मोनेजिया। मोनेजिया तीसरा एग्जाम्पल, मोनेजिया टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, और तीसरा मोनेजिया। यह है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से जंतुओं को कहते हैं? जुगाली करने वाले जंतुओं में पाया जाता है। यह जुगाली करने वाले जंतुओं की आंत में पाया जाता है। यह जुगाली करने वाले जंतुओं की आंत में पाया जाता है। इकाइनोकोकस, डॉग टेप वर्म, या हाइडेटॉइड भी कहते हैं इसको, हाइडेटॉइड, इकाइनोकोकस, डॉग टेप वर्म। इकाइनोकोकस के बारे में लिखो, ये डॉग में पाया जाता है, डॉग की आत पाया जाता है इकाइनोकोकस। इसे सामान्यतया डॉग फीताकृमी हाइडेटॉइड वर्म कहते हैं। लिखो लिखो जल्दी से आगे लिखो। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल, इकाइनोकोकस लिख लिया, डॉग फीताकृमी जिसे हाइडेटॉइड कृमि भी कहते हैं, ये डॉग या कुत्ते की आंत में पाया जाता है। डॉग डॉग क्यों कहा मैडम? अब इसके बाद फाइव फिफ्थ एग्जांपल, हाइमेनोलेपिस। हाइमेनोलेपिस ड्वार्फ टेप वर्म, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फीताकृमी,
हाइमेनोलेपिस सबसे छोटा पिताक्रमी हाइमेनोलेपिस, 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। लिख लिया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टेप वर्म। इसके बाद सबसे बड़ा डाइबोथिरियो सिफिलस, लिख दो हाइमेनोलेपिस स्मॉलेस्ट या ड्वार्फ का मतलब बोना, बोना बोना ड्वार्फ के चलिए इसके मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। डाइबो थ्रियो सिफेलस टेप वर्म ऑफिस लॉन्गेस्ट डाइबोथिरियोसिफेलस सबसे बड़ा फीताक्रमी डाइबोथिरियोसिफेलस मछली की आंत में पाया जाता है। इसमें खंडों की संख्या 3,000 से 4,000 होती है। मछली की आंत में पाए जाने वाला 20 मीटर लंबा होता है, लेंथ 20 मीटर, 20 मीटर लंबा। लिख लिया। टीनिया के बारे में सब समझ में आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। मिटा दूं? Yes, have you written? टिंकू महाराज ओके एग्जाम्पल लिखी लिया हमने। ये क्वेश्चन और लिखो, कुछ नए क्वेश्चन मिले मैं इनको भी डाल दिया। देखो एक मिनट, एक नया शब्द है एलोजेनेसिस, एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। देखो ध्यान से सुनो, नहीं सर मुझे नहीं पता, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रोजी तो बता रहे हैं। एक मिनट ध्यान से सुनो बेटे, हमने लीवर फ्लूक में ये बताया था, आपको ध्यान होगा कि वयस्क से लार्वा अवस्था बनती है। अब ध्यान से सुनना, लार्वा अवस्था हमने कहा कि पहली लार्वा अवस्था को हम मेरिसीडियम कहते हैं, और इन लार्वा अवस्थाओं में जर्म सेल्स पाई जाती है। मेरिसीडियम स्वतंत्र जीवी होता है और वो जल में जाकर घोंगे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, एक अवस्था बनाता है जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। समझ में आ गया, इसमें भी जर्म सेल है। स्पोरोसिस्ट अनेक अगली अवस्था बनाएगा, हम उसे रेडिया कहेंगे। तो एक छोटे सी लार्वा के द्वारा दूसरे लार्वा का निर्माण करना, एक तो वयस्क है लीवर फ्लूक वो भी जनन कर रहा है, और एक छोटा सा लार्वा वो भी जब नए लार्वा को बना रहा है तो वो भी पीढ़ी एकांतरण तो हुआ, उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनी। तो एक वयस्क के द्वारा और एक लार्वा के द्वारा जो पीढ़ी बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एलोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया, हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस ओबेलिया में पढ़ा, सिलेंटेड हमने कहा वहां पे कि ओबेलिया अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप बना, दोनों ही वेल डेवलप्ड अवस्थाएं होती है। यहां पर एक तो वयस्क है एक तो लार्वा ही है,
तो ऐसा पीढ़ी एकांतरण जो एक डेवलप्ड एनिमल और एक अनडेवलप्ड लार्वा में हो रहा है, उस पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। है बेटा? हाँ, यस, जर्म लीनियर हाइपोथेसिस। एक लार्वा के अंदर जनन कोशिकाओं का पाया, वो जनन कोशिकाएं नई लार्वा अवस्था का निर्माण करती है। तो ये किस में पाया जाएगा? ये कृतक्रम। करेक्ट आंसर, ये कृतक्रम में होगा। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा। समझ में आ गया ये? नितेश नहीं आया, कम आया। देखो एक मिनट, एडल्ट के द्वारा जनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या बना? लार्वा। और लार्वा के द्वारा अगली लार्वा अवस्था का बनाया जाना, वयस्क के द्वारा लार्वा और लार्वा के द्वारा अगली लार्वा अवस्था का बनाया जाना, तो पीढ़ी एकांतरण हुआ। ऐसी पीढ़ी एकांतरण को, एक वेल डेवलप्ड है, एक अनडेवलप्ड है, ऐसी पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। अब समझ में आया? चलो लिखा, आगे चलो। ओस्मोट्रॉफी, एक और क्वेश्चन मिला था मुझे, टीनिया सोलियम से रिलेटेड पाई जाती है। देखो एक मिनट, शब्द का मतलब समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ओस्मोट्रॉफी क्या मतलब हुआ? ओस्मोसिस आप जानते हैं। अब टीनिया सोलियम जो है वो हमारी आंत के अंदर पाया जाता है, आंत में भी तरल माध्यम होगा और इसके शरीर में भी होगा, तो दोनों सांद्रताओं को मेंटेन करना ओस्मोट्रॉफी कहलाता है। क्या मतलब? आहार नाल मनुष्य की आंत में जो तरल माध्यम है उसमें टीनिया सोलियम रहता है, तो टीनिया सोलियम को देह भित्ति के द्वारा भोजन का अवशोषण करेगा, तो दोनों सांद्रताओं को बनाए रखना ओस्मोट्रॉफी कहलाता है। कैसे? अवशोषण कब होगा? जब बाहर मात्रा ज्यादा है किसी पदार्थ की और अंदर कम है, जबी तो होगा। तो ओस्मोट्रॉफी का मतलब है दोनों की सांद्रताओं को बनाए रखना ओस्मोट्रॉफी कहलाता है। ओस्मोट्रॉफी पाई जाती है एस्टेरियाज में नहीं, पैलीमोन में नहीं, पाइला में नहीं, परजीवी में, अंतर परजीवी में पाई जाएगी। किसमें? टीनिया। ये तीनों तो आप जानते हैं फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है। नहीं, अलग अलग है। हमने कहा बेटे कि एस्केरिस तो मुंह के द्वारा भोजन ले रहा है, उसको जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये तो देह भित्ति से अवशोषित कर रहा है ना। नितिका, यू आर नॉट फीलिंग वेल। उनमें जो है सांद्रता जो है बनाए रखना ओस्मोट्रॉफी कहलाए, बाह्य तथा आंतरिक माध्यम। इज इट क्लियर? आगे बोलो। हाँ गुड्डी, तुम दोनों कंफ्यूज हो, सविता बोलो। बेटे पूछ लो, पूछोगे तो मैं बता दूंगा, आप पूछना चाहे। चलो बहुत अच्छा। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन, चपटे कृमियों में आंतों के बीच उपस्थित मीजोडर्मी ऊतक कहलाते हैं, पीजीटी 2003। चपटे कृमि मतलब फ्लेट वर्म्स,
में जो आर्नाल है उसके बीच में जो ऊतक होंगे उसे क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। लिखो, मेसोडर्मी टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटेस्टाइन और फ्लैटवर्म इज नोन एज मेसोडर्मिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द इंटेस्टाइन इन फ्लैटवर्म्स इज नोन एज पैरेन्काइमा। ये दोनों सब बोटियोइडल आप बता सकते हैं? बोटियोइडल ऊतक किसमें पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु जगत में एक ही जाति एक ही वर्ग के जंतुओं में बोटियोइडल ऊतक पाए जाते हैं जिसमें वसा का संचय किया जाता है। मनीषा मैडम, जो लीच होती है बेटे, जोंक, पूरे जंतु जगत में जोंक में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें बोटियोइडल ऊतक कहते हैं। मेसोग्लिया आप जानते हैं, हमने सिलेंटेटा में लिखा, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस के बीच जो लेयर पाई जाती है उसे मेसोग्लिया, और इनमें क्या होगी? पैरेन्काइमा। चलिए लिख लिया, आगे चलो। एक और क्वेश्चन, ब्लेडर कृमि पाया जाता है। अब बेटे यहाँ पे ब्लेडर कृमि इज द लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया विच इज प्रेजेंट इन पोर्क और इन मसल्स ऑफ पिग, है ना? समझ में आ गया? ये ब्लेडर कृमि हमने किसको कहा? सिस्टिसर्कस लार्वा को कहा। सिस्टिसर्कस लार्वा कहाँ पाया जाता है? सुअर के पेशियों में पाया जाता है, मनुष्य की मांसपेशियों में नहीं। सुअर या गाय की मांसपेशियों में? यस। मनुष्य के मल में नहीं, मृदा में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुअर या गाय की मांसपेशियों में ब्लेडर वो कृमि या ब्लेडर वॉर्म। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोचते आ रहे हैं, तो बताया नहीं किसी। ये भी क्वेश्चन 2016 में आया था पीजीटी में, है सीधा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात। पहले एस्केरिस आपके सेकंड ग्रेड में भी था, फर्स्ट ग्रेड में भी था, अब शायद हट गया इस साल। बहुत टॉपिक हटा दिए, कुछ नए जोड़ दिए। आगे चलो, है? हाँ, जोड़ते ज्यादा है, वो जानते हैं अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी आ रहा है, इसलिए जोड़ना जरूरी। चलिए, ये टॉपिक पूरा हो गया प्लेटियल मेंटीज, थैंक यू। अब इसके बाद हम दूसरा शुरू करेंगे। आ जाना है क्या मैडम आपको? जाना है तो आफ्टर ब्रेक ही शुरू करें दूसरा, है ना? बीच में फिर ब्रेक आता है ना, इसलिए तुम इनको इसको चाय पिला दो फिर जैसे नहीं, फिर वो ब्रेक आता है ना बीच में। चलिए करा दे।